जय दोस्तों दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पर। और जैसा कि आपको पता है मैं हूं दीपक झा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्वेश्चन फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैं लाया हूं 10th क्लास के लिए सोशल साइंस से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आज हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होने वाला है। आज हम क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लॉन्ग क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको कुछ ज्ञान भी दूंगा। तो इसके लिए इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपका एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन होगा इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से पूछने का, ताकि आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को पढ़ करके वीडियो को वॉच करके अपने एग्जाम को तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि मैं आपको आपके लिए जो भी 10th क्लास के खासकर साइंस एंड सोशल साइंस का जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए आप लोग कहीं नहीं जाइए, वेरी वीडियो बने रहिए और पूरा का पूरा वॉच कीजिए और अपने एग्जाम को आसानी से कीजिए फेस। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन होगा, आप वो क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा, है ना। और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों, ठीक है, परिणामों की स्पष्ट करें। जो 1929 में जो आर्थिक संकट हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ था, आज मैं आपको बताऊंगा 1929 में जो आर्थिक संकट आया था उसमें परिणाम क्या आया था, उसी को स्पष्ट करना है, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि 1929 में आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, इनकम का अगर संकट आ जाए देश पे तो सोचो क्या स्थिति बनेगी। आपको पता होगा आपके घर में कभी कल ऐसा भी होता है, जिन घरों में जो एक मजदूर वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, जो अपना सिर्फ कमाना और खाना रहता है, अगर उनको एकाएक हो कोई बड़ा सा काम करना हो, सॉरी, ठीक है, या अगर मान लीजिए आपका शादी समारोह करना हो, मांगलिक कोई भी कार्य करना हो, या घर और घरेलू काम करना हो, घर और बनाने का काम हो, या बिजनेस कोई भी चीज़ का हो, तो उसमें कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है या कहीं ना कहीं से कर्ज लेनी पड़ती है और वो बड़ी इनकम हम लोग सधा नहीं पाते हैं, और सधाते भी हैं तो कई सालों में सदैव उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग एक मिडिल फैमिली को काफ़ी सारा दिक्कत होता है, है ना। सिर्फ खाने के लिए वो मतलब कि श्रम करते हैं, रोजगार करते हैं, उससे जो आमदनी होती है उस हिसाब से अपना घर को चलाता है, फिर बड़ा कार्य करने के लिए ज़्यादा सा पैसा चाहिए, जो अधिक सा पैसा चाहिए, जो संभव नहीं हो पाता है, और अंततः उनके जीवन काफ़ी बड़ी समस्याओं में उलझी रहती है। तो दोस्तों यही है एक आर्थिक संकट जो 1929 में हुआ था, और ये आर्थिक संकट 1929 में होने से क्या परिणाम हुआ था, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों पॉइंट हमारा वन जो है अति उत्पादन। आप कहिएगा सर अति उत्पादन से तो प्रॉफिट है, जी नहीं दोस्तों, अति उत्पादन भी, क्योंकि कहा जाता है अति का चीज ठीक नहीं होता है। हमारा अति उत्पादन से क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध, जब महायुद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे अधिक वृद्धि, अधिक उत्पादन की मांग की गई थी, जिसमें उद्योग धंधा को भी ज्यादातर उद्योग धंधा को चालू किया गया था, कृषक लोग जो थे वो काफी अच्छा से उत्पादन को बढ़ाया गया था। तो उद्योग धंधा एंड ये कृषक के द्वारा उद्योग, यानी जो किसान थे वो अपने, जो किसान फैमिली से था वो अपने उद्योग धंधा को काफी ज्यादा बढ़ाया था, क्योंकि उसका डिमांड हुआ था, उसका मांग था, अंततगत्वा इतना वृद्धि हुआ था कि युद्ध के समाप्त होने के बाद भी वृद्धि दर को रोका नहीं गया था, वो चालू ही था। यानी अगर मान लीजिए अगर सभी लोग सिर्फ बिजनेस ही कर दे, है ना, मतलब मान लीजिए कि बिजनेस ही करता है लोग, जितना सारा सब बिजनेस कर रहा है, सब बिजनेस कर रहा है, लेने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा स्थिति बन चुका था, उत्पादन की दृष्टि को काफी बढ़ाया गया था, इतना बढ़ाया गया था उत्पादन वृद्धि को कि युद्ध समाप्त होने के बाद डिमांड कमा नहीं, डिमांड किस चीज का था, लेने का डिमांड नहीं था, काम करने की डिमांड बढ़ी थी, ठीक है, और उद्योग धंधा को काफी चालू किया गया था। और जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भी क्या हुआ था कि वृद्धि को रोका नहीं गया, अंततः हुआ कि लेने वाला, जो खरीदने वाला होता है, उसकी संख्या कम गई थी और उत्पादन की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि क्योंकि उत्पादन की जगह कोई भी चीज में अगर कोई काम किया जाता है तो पूंजी लगाया जाता है, आपको पता होगा बिना पूंजी कोई काम होता ही नहीं है। आप मान लीजिए कि इन्वेस्ट कर दिए पैसा को और उसका इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉफिट ही आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इधर से भी तो लॉस जा रहा है ना, है ना, क्योंकि उसको क्या कीजिएगा, लेखाचार तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना ही है, प्रॉफिट होगा तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। कोई भी पैसा का इन्वेस्ट कौन करता है, जो जिससे उसको कुछ इनकम हो, विदाउट इनकम कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई, तो उस इन्वेस्ट हुए पैसा को प्रॉफिट इसको हुआ नहीं, क्योंकि काम जो उत्पादन दर था उसको बढ़ाते जा रहा था, ऐसे इसका क्या हुआ कि इनकम हो नहीं रहा था।
और उस पर जो खर्च हुआ वो भी पैसा नहीं आ पाया, तो अंततः ऐसे क्या होगी, आर्थिक संकट यहाँ से भी बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप का सामान भरा हुआ है दुकान में, लेने वाला कोई नहीं है, तो आपका पूंजी तो फंसा हुआ है ना, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा आर्थिक संकट यहाँ भी बढ़ी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपको हम बताएं कि अति उत्पादन हो जाना, क्योंकि अति चीज कहीं भी ठीक नहीं होती, उत्पादन अगर अति हुआ तो अगर बिक्री भी अति होता तो यहाँ माइनस हो जाता, प्रॉफिट काफी ज्यादा होता, तो आर्थिक संकट का कारण नहीं बनता, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अमेरिकी द्वारा कर्ज वसूली, अमेरिकी द्वारा कर्ज वसूली का मतलब क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जब महायुद्ध खत्म हुआ था तो उसमें जितने सारे देश थे युद्ध में इन्वॉल्व था, उन देशों की जो तबाह हुई अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही तबाह हो चुकी थी अर्थव्यवस्था, तो उन अर्थव्यवस्था को सुलझाने के लिए वो अमेरिकी पूंजीपति से कर्ज लिया था, यानी अमेरिकी पूंजीपति जो लोग थे वो उन देश को कर्ज दिया था जिनकी अर्थव्यवस्था काफी दयनीय हो चुकी थी, तो जो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी वो अमेरिकी पूंजीपति से कर्ज ले रखा था। अंत में क्या हुआ कि वही अमेरिकी पूंजीपति यानी कि अमेरिका में क्या हुआ था कि कुछ घरेलू संकट आ गया था जिसके कारण वहां की भी आर्थिक दृष्टि क्या हुई, डगमगाने लगी, तो अंततः वहां की जो पूंजीपति थी अमेरिका की वो क्या किया, जिन देशों को कर्ज दी थी उनसे वो वापस पैसा मांगने की डिमांड करने लगी, यानी जो पैसा दी थी वो पैसा वापस मांगने लगा। इससे क्या हुआ कि जो कर्ज लिया था उन देशों के पास, क्योंकि वो पैसा कर्ज लिया और कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो पैसा वो भी दे नहीं सकता था क्योंकि उसके पास एक पैसा आएगा नहीं, क्योंकि कर्ज लेता है तो फिर उसको किसी भी समय के अवधि के अनुसार उसको सधाया जाता है ना, तो वो क्या हुआ दे नहीं सकता था। इससे क्या हुआ कि देश संकट में पड़ने लगा, ठीक है, जो जो देश लिया था वो देश भी संकट में पड़ने लगा, इधर अमेरिका को भी काफी प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि अपना ही पैसा किसी को दूसरे को कर्ज दिया और उसके पास खुद पैसा का कमी होने लगा, ठीक है। अंततः क्या हुआ, इस देश की स्थिति इतना खराब होने लगी कि जो भी बैंक थे वो सब बैंक डूबने लगा, जो मुद्रण जो पैसा का मुद्रा दर था वो भी काफी गिरने लगा, और ऐसा स्थिति आने लगा कि जो देश कर्ज लिया वो तो कर्ज में था ही, अमेरिका की भी स्थिति क्या होने लगी थी, डगमगाने लगी थी। हालांकि आपको पता होगा युद्ध में सबसे पहले अमेरिका ही हटा था, आपको पता होगा, ठीक है, जैसे उसको कम लॉस हुआ था, है ना, लेकिन अंततः लॉस कम होने के कारण उसका आर्थिक दृष्टि उतना डगमगाया नहीं था, लेकिन जब लोन ज्यादा ये क्रिएट कर दिया तो उसके देशों में स्थिति संकट स्थिति थोड़ा सा उत्पन्न हो गई थी, घरेलू संकट जिसको कहते हैं क्षेत्रीय प्रॉब्लम, उसके अनुसार उसने सोचा कि चलो मैं जो कर्ज दिया हूं मैं इसको क्यों ना वापस ले लूं और अपनी जो समस्या उसको सबसे पहले सुलझा लूं, क्योंकि मैं किसी दूसरे देश का सुलझाने की समस्या जो समस्या है उसको मैं ठीक कर रहा हूं और अपने ही देश की समस्या क्या है काफी खराब हो रही है। अंततः जो वापस लेने की वो डिमांड किया कि नहीं भाई मैं जो कर्ज जो दिया हो मुझे वो चाहिए, तो जो देश लिया होगा कर्ज वो इतना ले तो पैसा देगा नहीं, क्योंकि जो लेता है उतना तुरंत उसको इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि इन्वेस्ट इसलिए करेगा क्योंकि लिया है क्यों, कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए, तो ऐसा हो जाता है। तो अंततः क्या होगी, बहुत सारा बैंक डूब गया, जो मुद्रा दर जो था पैसा का वो भी गिर चुका था और स्थिति पूरा दयनीय हो चुकी थी, और जो देश था वो देश का स्थिति और समझिए दयनीय हो चुकी थी, ठीक है। तो यही हमारा है, यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो अपना कर्ज वसूलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई जो मैं कर दिया एकदम मुझे पैसा चाहिए, कोई अवधि फब्दी नहीं, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि अति उत्पादन हुआ उससे भी हमारा आर्थिक संकट आ चुका था 1929 में, और अमेरिका द्वारा जो कर्ज वसूली किया गया इससे, क्योंकि कर्ज दिया तो चलो वो भी खुश था कि चलो कर्ज लिए हैं तो धीरे धीरे हम मेंटेन कर लेंगे कोई चीज़ को चालू करके कोई भी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर तो पैसा दिया और तुरंत मांग रहा कहाँ से आएगा पैसा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खर्चा कर दिया और मुझे पैसा चाहिए, तो ये संकट का सबसे दो मेन कारण संकट ये भी है, और एक और कारण है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि संकुचित आर्थिक राजपाल, इसमें क्या हुआ जब स्थिति बिगड़ चुकी थी आर्थिक दृष्टि, तो अमेरिका ने क्या किया था कि जो अपनी आयात शुल्क जो था उस पर दुगुना शुल्क लगा दिया था, ठीक है। अमेरिका ने आर्थिक संकट की स्थिति जब बिगड़ी थी तब एक संरचनात्मक उपाय सोचा, उसने क्या किया कि अपनी आयात पर सीमा शुल्क को दुगुना कर दिया और आयात सीमा शुल्क को फिर एक सीमित भी कर दिया, क्या किया सीमित कर दिया, तो इससे जो भी देश जो कर लिए थे वो ये सोच रहे थे कि जो भी हमारा बिजनेस हो वो खुद का अपना बिजनेस हो और कहीं से मुझे कोई चीज़ खरीदना ना पड़े, मैं खुद स्वयं बनाऊँ, और स्वयं बना करके वो इसने सोचा कि मेरा ये भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ तो होगा ही, लेकिन इसका जो आयात मैं करूँ और निर्यात कहीं भी करना हो, यानी अगर मुझे उसको सेल करना हो तो कहीं और नहीं अपने ही क्षेत्र में कर करके, क्योंकि लो कॉस्ट में होगा और जो भी प्रॉफिट होगा अगर कम
कॉस्ट में लागत से प्रॉफिट थोड़ा कम भी होगा तो हमारा मैनेजमेंट इतने अंदर हो जाएगा कि मुझे विश्व व्यापार के स्तर पर उसको नहीं ले जाना पड़ेगा। अब सोचिए इससे क्या हुआ कि विश्व व्यापार जो था उसका जो विश्व व्यापार का जो मार्केट था उसका कमर ही तोड़ दिया, क्योंकि सोचा कि चलो बाहर का सेल होगा नहीं, अंदर में ही सेल होगा और हम लोग खुद आपस में ही मिल करके बना लेंगे तो क्या होगा कि हमारा ज़्यादा कॉस्ट हो लगेगा नहीं और कम कॉस्ट में अगर कम ही प्रॉफिट होता है तो उससे मेरा लॉस तो नहीं जाएगा। क्योंकि हम अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी से कर्ज ले करके उससे बना करके उन्हीं देश के साथ अगर आप सेल करते हो तो यहाँ क्या होती है कि यहाँ पर आयात शुल्क जो सीमा क्योंकि सीमित कर दिया था अमेरिका उसके तहत इसको लॉस हो जाता क्योंकि उसका आयात शुल्क सीमा को दोगुना कर दिया और आयात शुल्क सीमा को निश्चित किया लेकिन शुल्क को दोगुना कर दिया था। मान लीजिए अगर आपको 5 रुपये कहा गया तो वो आपसे 10 रुपये लेगा दोगुना करके, आपको सीमित समय दे दिया कि इतना समय के अंदर आपको करना है तो आप अगर उसके साथ सेल करते हो तो ले तो उतना ले ही रहा है लेकिन ठीक है माना कि अगर आपसे कोई चीज़ खरीदा है तो आप वहाँ के हिसाब से आपको पैसा देगा लेकिन आपको एक बदले में क्या करना था कि आप कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको उसी देश से खरीदना पड़ता तब उसको उसका खरीदना पड़ता तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा था। इसलिए क्या किया कि नहीं अपना ही अंदर में कोई भी क्षेत्र में खुद स्वयं काम करेंगे और इसी अंदर में यानी अपने ही क्षेत्र में इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो बना हुआ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसका सोच था। आदमगत हुआ कि आगे भी इस व्यापार का जो भी बाजार था उसका कमर ही तोड़ दिया, व्यापार का जो भी बाजार था उसको कमर ही तोड़ दिया। अंततगत्वा अमेरिका को भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ और जो लोन देता है तो लोन लेता है, लोन तो ले लिया लेकिन समस्या उसको भी झेलना पड़ा था। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक आपको इसलिए बताएं कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण परिणाम कुछ इस प्रकार हुआ। परिणाम में आप पॉइंट को ही समझ लीजिए, आपको समझ दिए अति उत्पादन होना, अमेरिका द्वारा कर्ज वसूली करना और संकुचित आर्थिक राष्ट्रव्यवस्था पर लगा देना नियम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारा परिणाम निकल कर आया क्योंकि आर्थिक दृष्टि इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन देश को जो देश से इन्वॉल्व थे युद्ध में, इस युद्ध में उसको काफ़ी दिन झेलना पड़ा क्योंकि खर्च पहले ही हो चुका था और यहाँ प्रॉफिट का कोई नामे चर्चा नहीं है और खुद का बिजनेस जो चल रहा था उसमें भी उतना प्रॉफिट उसको नजर ना आ रहा था हर देश के लिए। तो इन सारी समस्याओं को झेलते हुए देश जो है सो आगे बढ़ा और विकास किया धीरे धीरे। आज अभी भी देखा जाए तो जो देश को लॉस पहले कम हुआ था वो देश तो अभी आगे है, इसको लॉस हुआ तो अभी भी अब क्या है अग्रसर है, आगे की ओर बढ़ रहा है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आप लाइक नहीं करते हो लाइक कीजिए, प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल करो सब्सक्राइब क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मोटिवेशनल वीडियो आते रहता है और अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में टाइम मिलेगा नए वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय जय भारत।